अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से इवनिंग स्नैक्स, जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। और जब भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए या आपका खुद का दिल चाहे खाने का, तो आप लोग ईज़िली अपने घर में इवनिंग टाइम या किसी भी टाइम आप लोग बना सकते हैं और ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg आलू, यहाँ पे मैंने बॉयल कर लिए थे, और इसको फॉर्क की मदद से हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें चने स्पाइसेस आएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1/2 teaspoon। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, वो भी 1/2 teaspoon, काली मिर्चें पिसी हुई, ब्लैक पेपर। उसके साथ हम ऐड करेंगे क्रश मिर्च, ये भी सब 1/2 teaspoon हम ऐड करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। लास्ट में जो है हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने ऐड कर देना है फ्लावर 2 tablespoon। बहुत क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स बनेंगे इसको ऐड करने के बाद। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसको हम फ्लोर पर बिछा लेंगे, और इसमें अब ऐड करेंगे हम बेसन। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है थोड़ा थिक हो रहा है, तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं। मगर बेसन ऐड करने से इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ जो है मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। देन हम इसमें जो है लाइनें बनाएंगे। एक सिंपल आलू से आप लोग बहुत कुछ सारे स्नैक्स बना सकते हैं। आगे भी मैं आपको बहुत सारी रेसिपी दूंगी। तो उसके बाद जो है स्क्वायर करने से पहले जो है हम इसमें लगाएंगे फॉर्क से लाइंस इस तरह से कुछ, क्योंकि खाना जब तक देखने में अच्छा नहीं होता तो खाने का दिल भी नहीं चाहता। तो इसलिए कुछ भी बनाने से पहले खाने की प्रेजेंटेशन और लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से हमने लाइंस बना ली है फॉर्क की मदद से। देन अब हम जो है इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने एग में इसको डिप करना है, और उसके साथ जो है हम इसमें क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से वन बाय वन करके सारे हम कोडिंग कर लेंगे। ये देखें किस तरह से ज़बरदस्त से हमारी कोटिंग हो गई है क्रम्स की और एग की, आप लोग देख सकते हैं हमारी लाइंस भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो है एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब जो है हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ जो है वन बाय वन करके अच्छी तरह से गर्म ऑयल में हम ऐड कर देंगे।
स्टेजेस के बाद जो जब इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 मिनट में कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने इसको टर्न ऑफ कर देना है, जस्ट फ्राई ही करना है, क्योंकि हम और क्योंकि पोटैटो जो है ऑलरेडी बॉयल ही थे, तो इसको जस्ट हमने कलर ही देना है। तो एहतियात से आप लोग कलर दीजिएगा, ये ना हो कि जल जाए, तो इसको जल्दी जल्दी जो है हम टर्न ऑफ कर लेंगे। अच्छा जी, एक बेस जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरे और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो इसको जो है अब हम निकाल लेंगे और हमारा दूसरा बैच जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इवनिंग पोटैटो स्नैक्स हमारे बिल्कुल रेडी है, आप लोग लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। ये देखें इसकी शक्ल जो है कितनी ज़बरदस्त आई है और बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, एज यू कैन से डैट। और मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो। सेम ही आइडिया मुझे दें, ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।